हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ जूडियो मेकअप हॉल एंड ट्राई ऑन हॉल दोनों चीज़ें। तो रिसेंटली जूडियो ने अपना मेकअप लॉन्च किया है, जिसमें बीबी क्रीम है, आई शेडोज़ है, ब्लश है और लूज पाउडर है, ब्यूटी ब्लेंडर है, काजल है, मेकअप रिमूवर है, नेल पेंट रिमूवर है, पाउच हैं, वाइप्स हैं एंड लिक्विड लिपस्टिक्स, बुलेट लिपस्टिक्स। तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं जो ओनली 199 रुपीज़ के अंडर हैं। यस, 199 के अंडर मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की हैं। तो और ये कुछ चीज़ें थी जो पुरानी हैं, डीओ परफ्यूम्स एंड उनके कुछ ये फेस वॉश एंड लोशन वगैरह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, विद द हॉल वीडियो। तो देखते हैं मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये बीबी क्रीम, जो मुझे लगा कि हाँ यार ये मेरे डेली में काम आ जाएगी। 199 रुपीज़ की है। तो वहाँ पर इसका टेस्टर तो मुझे मिला नहीं था, बट मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग एक पिक कर लिया और उसको ब्लेंड करने के लिए ये ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जो 79 रुपीज़ का है। आई गेस मैं मेंशन कर दूँगी प्राइस, बिकॉज मैं थोड़ा भूल भी गई हूँ, काफ़ी टाइम पहले लाई थी। तो इसको थोड़ा सा अमाउंट ले लेंगे। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, फाउंडेशन जैसी है, बट या बीबी क्रीम है तो देखते हैं, ये कुछ ज़्यादा फुल कवरेज तो देने नहीं वाला है, बट लेट्स सी। तो ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, ब्लेंड करने के बाद देखते हैं कि इसका कैसा रिज़ल्ट आता है। तो रिज़ल्ट तो ठीक ठीक ही है, मतलब फुल कवरेज तो ऑब्वियसली बीबी क्रीम नहीं देता है, बट इट्स नाइस। एंड सेकेंड थिंग मैंने परचेज़ किया था ये लिप ग्लॉस। तो इसका प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी हर प्रोडक्ट का, क्योंकि मुझे ना प्राइस याद नहीं है। ये आई शेडो की छोटी सी पैलेट ली थी जो आपके पर्स में आप कैरी कर सकते हो, और ये शेड्स भी इतने प्यारे थे जो आपके हर जगह काम आ जाएंगे। बट या ब्लैक कलर के अलावा तीनों कलर जो थे ना वो शिमरी शेड थे, तो मैंने सोचा इस बार ब्लैक से अपनी आईब्रोज़ कर लेती हूँ, बिकॉज ब्राउन कलर तो कुछ था नहीं और मुझे फुल फेस मेकअप भी करना था इसी से। तो आईब्रोज़ तो काफ़ी अच्छी हो गई हैं, आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद मैंने उसका जो पिंक कलर था ना वो शिमरी सा मैंने हल्का हल्का सा बिल्कुल लेके अपने आईलिड्स पे लगाया, एंड इसकी पिगमेंटेशन इतनी प्यारी थी। देन ये ब्लू कलर का काजल जो 69 रुपीज़ में अच्छा था, नॉट बैड, बट हाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना मुझे इसको रगड़ना पड़ा, लाइक घिसना पड़ा। उसके बाद जाके थोड़ा सा स्मूथ हुआ, फिर मैंने उसका आईलाइनर लगाया और हल्का हल्का सा ना नीचे काजल लगा लिया, उसको स्मज कर लिया था। वैसे आई एम नॉट अ काजल पर्सन, बट स्टिल मैंने ट्राई किया फर्स्ट टाइम, तो मुझे अच्छा तो नहीं लगा, बट आप लोग बताना आपको कैसा लगा। देन ये बुलेट लिपस्टिक मैंने ली थी 99 रुपीज़ की, ब्राउन शेड था और इस पर लिखा था मैट, बट ये बिल्कुल भी मैट नहीं थी, ये तो एकदम क्रीमी लिपस्टिक थी। तो मैंने इससे ना थोड़ा सा कंटोरिंग करने का ट्राई किया, तो ये कंटोरिंग के काम तो नहीं आया, बट ब्लश के काम आ गया। उसके बाद एक हाइलाइटिंग शेड था, उससे मैंने हाइलाइटर लगाया, हाइलाइटर भी अच्छा था अगर आप वीडियो में देख पा रहे हो तो, बट हाइलाइटर अच्छा था, वीडियो में मे भी ना दिख रहा हो। एंड इसी सेम बुलेट लिपस्टिक को मैंने एज अ लिपस्टिक लगाया, बट मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग ना ये बहुत लाइट था, बिकॉज ये बहुत अजीब लगता है देन। तो उसके बाद मैंने ना टिश्यू पेपर रख के लूज़ पाउडर से ना इसको मैट बनाने की कोशिश करी, बिकॉज वो बहुत क्रीमी थी एंड आई डोंट लाइक क्रीमी लिपस्टिक्स। फिर मैंने इसको थोड़ा डार्क करने के लिए ना आई शेडो पैलेट से कलर पिक किया और उसको थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई किया, एंड ये था फुल लुक। ओवरऑल तो मुझे अच्छा लग रहा है यार, डेली के लिए तो हम कर ही सकते हैं ना इसको। आप बताओ आपको कैसा लगा, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।